नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुझे अमेजोन से पैकेज मिल चुका है और ये मैंने 12 तारीख को ऑर्डर किया था। एसर नाइट्रो 5 सस्ता गेमिंग पीसी है काफी, और यूज करते मुझे टाइम हो गया और ये सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। ये मुझे अमेजोन से मिला था, लगभग 60,000 के आसपास का पड़ा। इसकी एक्चुअल कीमत जो थी 63,000 के आसपास थी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल नंबर है आपका AN515 5750JF। ये हमारा एसर का नाइट्रो 5 है, i5 11th जेन है और 1650 RTX इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो आप अभी यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग देख रहे हैं और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है अप्रैल 2022 की है और इंपोर्टेड अप्रैल 2022 में है, यानी कि काफी नया अभी ये पीसी है। आप इसका बॉक्स देख रहे होंगे, काफी बढ़िया इसमें ग्राफिक्स हैं। सील चेक करने के बाद हमने इसको ओपन किया और ये आप जो ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर चार्जिंग की केबल पड़ी हुई है, एसएसडी की कनेक्टर केबल पड़ी हुई है और आपके एसएसडी के लिए कुछ बोर्ड्स पड़े हुए हैं। ब्लैक कलर का ये है हमारा और काफी बढ़िया दिखने में है। बिल्ट इसकी काफी बढ़िया है और उसको ऑन करने की कोशिश की थी हमने, मगर बैटरी इसकी चार्ज नहीं थी। तो आप अभी ये देख रहे होंगे तो बैटरी चार्ज हमने कर ली है। तो इसका कुछ लुक्स वगैरह दिखाते हैं और आपके कौन कौन से इसके पोर्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। नाइट्रो की ब्रांडिंग मिलती है काफी बढ़िया है इसमें, इसका हिंदी भी काफी बढ़िया है। इसमें पोर्ट्स लगभग सभी मिलते हैं, HDMI मिलता है, USB मिलता है, टाइप सी मिलता है और किंगस्टन लॉक मिलता है। इसमें आपको कार्ड रीडर का स्लॉट नहीं मिलता और वैसे मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। और एग्जॉस्ट के वेंट काफी मिले हुए हैं इसमें, एग्जॉस्ट वेंट आपको देखो लगभग चार हैं और डाउन और नीचे की तरफ से तो हवा की इन भेजी है और बाकी जितने भी चार आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जॉस्ट वेंट, यहाँ से हमारी एयर आउट जाती है। अब यहाँ पर इसका वन फिंगर ओपनिंग करते हैं, काफी बढ़िया तरीके से ये एक फिंगर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर दो नोटिफिकेशन लाइट्स हैं, एक आपकी बैटरी चार्जिंग के लिए है और एक आपकी इसमें ऑन ऑफ के इंडिकेशन को दिखाती है। ये कुछ इसके फीचर्स वगैरह को डिनोट करता है यहाँ पर, ये ट्रैक पर अच्छा सा है और जैसा इंटेल की ब्रांडिंग और ग्राफिक कार्ड की ब्रांडिंग है। 144 Hz की इसके डिस्प्ले है, काफी स्टाइलिश लुक है इसका। आप कीबोर्ड देख रहे हो काफी साइन कर रहा है जबकि अभी ये ऑफ है। अब इसकी बूट फिल्म में बटन दबा दिया है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये बटन दबाया और काफी कम इसका बूट टाइम है जैसा आपने देखा। तो यहाँ पर मैंने कोई इसकी फास्ट स्पीड नहीं की हुई थी तो बूट टाइम इसका काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें SSD लगी हुई है पहले से, और एक्सेसिव लगने की वजह से इसका जो बूट टाइम है काफी कम हो जाता है। अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इसके साथ हमें नाइट्रो सेंस का भी सॉफ्टवेयर मिलता है और एक डेडिकेटेड बटन मिलता है, इससे हम यूज देखेंगे। तो इसके कीबोर्ड में ही नाइट्रो सेंस का एक डेडिकेटेड बटन मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको प्रेस करने पर आपका नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर खुल जाता है जिसमें आप फैन की स्पीड वगैरह देख सकते हैं और कीबोर्ड की जो आपकी लाइटनिंग है RGB लाइटनिंग है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे मोड्स मिलते हैं इसमें, तो ये मोड्स आप देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बैकलाइट जो जो ये कीबोर्ड है ये आपका नॉन एक्टिव रहने पर बंद भी हो जाता है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर नॉन एक्टिव कीबोर्ड अभी नॉन एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर ये ऑफ हो गया है इसकी लाइटनिंग। तो फोर जोन का इसका कीबोर्ड रहता है, आप इसको अलग अलग तरीके से सेट कर सकते। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाके जो टाइमिंग है इसको बंद कर सकते हैं कि कीबोर्ड की जो लाइटिंग है वो बंद ना हो, तो मैंने यहाँ बंद कर लिया और ये कीबोर्ड की लाइटिंग यहाँ पे चलते रहेगी। तो यहाँ पर हम आपको मोड्स दिखाएंगे जो जो डायनेमिक्स के अंदर है। तो डायनेमिक्स के अंदर अलग अलग मोड्स हैं, लगभग 5 मोड्स मिलते हैं इसमें कीबोर्ड की लाइटिंग के लिए। यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, 4 मोड्स ब्राइटनिंग ब्राइटनेस के लिए मिलते हैं हमें।
ये देखिए बैठने के मोड से काफी बढ़िया दिखता है ये लैपटॉप, और उतनी ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस भी है।